हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आनंद और आपका स्वागत है हमारे चैनल पटना ब्लॉगर्स में। और हर बार की तरह फिर से मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार से टॉपिक पे वीडियो बना करके लेके जा रहा। मैंने आपको बताया था कि पटना जो है पढ़ाई लिखाई के मामले में एडुकेशन के फील्ड में बहुत आगे है। आज मैं आपको पटना कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज की सैर कराने लेके जा रहा हूँ। इस कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। ये पटना में पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। यहाँ पे 5 साल का ऑन कैंपस फुल टाइम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि BFA की पढ़ाई होती है। स्पेशलाइजेशन अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग और स्कल्पचर में होता है। और 5 ईयर्स के इस BFA कोर्स का फ़ी जो है ऑन कैंपस फुल टाइम जो फ़ी जो है वो है 51,000 रुपये पर ईयर। तो उसके हिसाब से आपको पूरे कोर्सेज के फ़ी जो हैं लगभग 2.5 लाख रुपये पड़ जाएंगे। हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है। बिना एंट्रेंस के एग्ज़ाम को पास किए हुए आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। तो अगर आपको यहाँ पे इस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में, पटना कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, जो हर ईयर मई या जून में ऑर्गेनाइज होता है। ये पटना यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ सीट्स काफ़ी कम हैं और यहाँ पर अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग या स्कल्पचर में स्पेशलाइजेशन भी होता है। BFA में BFA कोर्स है जिसका नाम होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। अब मैं आपको इस कॉलेज के बारे में थोड़ा बता दूं। ये जो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट है ये पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है। बहुत ही शानदार कॉलेज है ये, जहाँ पे स्टूडेंट्स को पूरी पढ़ाई मिलती है, पढ़ाई के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है। इस कॉलेज को 1939 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर जो हैं लेट श्री राधा मोहन जी थे और इसके मैनेजिंग कमेटी के पहले मेंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है और ये पटना रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ एक बहुत ही बड़ी शानदार सी लाइब्रेरी है जिसमें कि हज़ारों बुक्स भी हैं। और इस कॉलेज का बहुत ही शानदार ग्लोरियस पास्ट भी है। यहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट्स पढ़ करके भी निकले हुए हैं। तो यही खबर है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि हम यूं ही ऐसे नए नए टॉपिक्स पे आपको वीडियो बना करके दिखाते रहें और पूरे बिहार को, पूरे पटना को आपको एक्सप्लोर करके दिखाएं।